बैठो ना बंद करके बाहर ग्राउंड में धूप में, पता चले उनके वहां लगा के देखो अपना ऑफिस। वो जो लोग मर रहे हैं, एक तो पेन है, किसी की डिलीवरी बहन की होनी है, कोई हो चुकी है किसी की, उनका दर्द समझते हो, इंसानियत है थोड़ी बहुत। अंबाला शहर सिविल अस्पताल में कल दोपहर से बिजली गुल है, लेकिन सीएमओ और पीएमओ को इससे कुछ लेना देना नहीं, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं, जिसका खामियाजा मरीज व तीमारदार भुगत रहे हैं। वहीं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती लोग और तीमारदार हाथ वाले पंखे से ही काम चला रहे हैं, लेकिन बिजली कैसे ठीक होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पीएमओ साहब ने तो इस बारे में मीडिया से बात करने तक से इनकार कर दिया। वहीं जब अस्पताल में लाइट ना होने का पता जैसे ही अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल को चला, तो वे सीधे अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मेरे संज्ञान में मामला सुबह 8:15-8:30 के करीब आया। मुझे कल किसी ने भी यहां से ना, मुझे अधिकारियों की तरफ से ना पेशेंट्स की तरफ से, जब 2-4 सुबह फ़ोन आए, तो मुझे जब मामला संज्ञान में आया, मैंने सीएमओ साहब को तत्काल फ़ोन किया, उनसे समस्या पूछी, इन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से समस्या पूछी, इनका डिपार्टमेंट का आपसी कोई टेक्निकल दिक्कत थी, मैंने इनको बोला कि आप ये टेक्निकल दिक्कतें दूर होती रहेंगी, मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन आप इस बिजली को चालू कर दें। और बिजली बोर्ड वालों ने केवल इनसे एक चिट्ठी मांगी, 8:30 से लेकर 11 बज गए हैं, 2.5 घंटे के अंदर चिट्ठी नहीं गई, अब चिट्ठी गए को सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, यानी 2.5 घंटे में इतने ज़्यादा ये गैर जिम्मेवार लोग हैं, एक चिट्ठी नहीं भेज के, मैं तो चिट्ठी खुद लेने के लिए यहाँ पर आया था कि अगर इन लोगों को इतनी भारी चिट्ठी है, इतना बोझ हो गया चिट्ठी में नहीं उठ रही, तो मैं खुद जाके बिजली बोर्ड के अधिकारियों को देकर आऊँगा, लेकिन अब ये बहाने जिस तरह के बना रहे हैं, लेकिन चलो पेशेंट्स को देखना, मरीजों की देखभाल करना हमारी जिम्मेवारी है, और मैं कोशिश करके आ रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी को तो मैं तो कहता हूँ इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने लोग हैं सबकी एक्सप्लेनेशन कॉल करनी चाहिए, कोई ऑफिसर इतना गैर जिम्मेवार हो कैसे सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई सिस्टम इन लोगों का विश्वास नहीं है, इससे तो क्लियर ही महसूस हो रहा है, मामला बिल्कुल लाया जाएगा, और जो जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी। अभी तो पहली प्रायोरिटी हमारी लाइट चल जाने की है, और मेरी कोशिश है कि दोपहर तक लाइट चल जाए। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों की इस हरकत से गुस्साए विधायक सीएमओ दफ्तर पहुंचे और तुरंत उनके दफ्तर के एसी व पंखे बंद करवा दिए। मरीजों के डर से वाकिफ विधायक ने अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, इसलिए आपको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। विधायक ने सिविल सर्जन के दफ्तर का एसी व पंखे ये कहते हुए बंद करवा दिए कि जब तक अस्पताल की बिजली ठीक नहीं होती, तब तक आप भी ऐसे ही दफ्तर में बैठो। दरअसल अस्पताल की पीएमओ पूनम जैन की किसी भी सीएमओ से नहीं बनती। बनस्थिति में ट्रांसफर खराब हो गया इनका, मैं वहीं कल था 5 बजे तक, मुझे किसी ने बताया गया, फोन रात को 8 बजे आया, भी ऐसे ऐसे है ये, मैंने कहा भी 8 बजे से पहले जितने भी है ना आपके जनरेटर चालू कर दीजिए, तो उसके बाद वहां चल रहे हैं 5 जनरेटर, ट्रॉमा सेंटर, SNCU, लेबर रूम, OT वहां से चल रहे हैं, ठीक है जी। मैंने कहा एक्स्ट्रा अपना डीजल बॉयल कर लीजिए, उन्होंने बैक कर लिया, और मैं रात से फोन कर रहा हूँ एक्सी साहब के साथ, वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है डॉक्टर SDO, मैंने बात की उनके SDO के साथ, वो कहते हैं रात का काम है जी, आप चलाओ जो नेट, हम काम सुबह करेंगे, फिर सुबह से काम करो 8 बजे के बाद, ये सारा काम है PMO का। लेकिन मैंने खुद से दर्शन, मैं रात को सो नहीं पाया, 11-12 बजे से मैंने फोन हर जगह किए हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ राजी नहीं है, वो अननेसेसरली चिट्ठी यहाँ भेज देते हैं। मैंने सुबह कहा 8 बजे कहा राहुल को, फोन आया था साहब का, चिट्ठी बना के अभी आप ले जाओ, इवन देन सर वहाँ लगे 2 घंटे फिर यहाँ लेके आ रहे हैं, मैंने साइन किए साथ। सर अस्पताल की PMO पूनम जैन की किसी भी CMO से नहीं बनती। 3 दिन पहले कुर्सी पर आए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक शर्मा के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही है। अधिकारियों के आपस में ना बनने का खामियाजा आखिरकार मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ा, और इस भयंकर गर्मी को झेलने को मजबूर होना पड़ा। इंडेक्स प्रेस के लिए अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।